तबीयत ठीक है, बुखार चले गया, हल्का सा सर्दी है तो सर्दी की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में बेस ज़्यादा आ रहा होगा, बाकी ठीक लग रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। सर में पूरा चंपी किया हुआ है तो उससे और अच्छा महसूस हो रहा है। अब जाते आकिब के पास, इसमें एक पीछे लोगो लगाने के लिए, और शायद से हमें वैसे भी जाना पड़ेगा यहाँ से जो 80 किलोमीटर दूर है। और ये बारिश आ गया पे भीग जाएगा सी, मुझे लगा बारिश नहीं आएगी इसलिए मैं लेके आया, पता नहीं दुकान के आगे शैडो भी नहीं है कि हे भगवान बारिश चले जाए बारिश चले जाए। बारिश तो चले गया, तो थोड़ा सा सीट वीट गीला हो चुका है। तो यहाँ पे इस बार का जो लोगों का साइज़ है क्या है, 18 बाई 10 इंच का लोगों का साइज़, उतना बड़ा लोगों पीछे लगने वाला है। तो बारिश ने यहाँ के थोड़ा गीला गीला कर दिया, और वो मैं भी नहीं कर सकता, मतलब सेकेंड डे वापस कार लेके आना पड़ेगा। तो वहाँ पे है देखो, ये वाला नहीं है, वो वाला है अपना जो हेलमेट के पीछे है, सेम वो कार के पीछे आने वाला है। डिज़ाइन जो अपना अलग अलग हो चुका है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड ऑरेंज वाला BSB का, जो सिर्फ हेलमेट मेरे जो लोगो सिर्फ मेरे हेलमेट पे, और फाइनल जाके इस गाड़ी पे भी आने वाला है, कटने जा रहा है वहाँ पे। और भगवान की दुआ कि देखो यहाँ पे धूप आ गया बाहर, तो ये अच्छा हुआ, जल्दी से कटे और जल्दी से लगे और आपको लुक दिखाओ, और उसके बाद हम निकलेंगे एक छोटी सी राइड पे, अगर कॉल आ गया तो, वरना फिर नहीं जाए। तो कह सकता हूँ कि ये मेरा सबसे बड़ा लोगो लगने वाला है, क्योंकि भाई अपने गाड़ी में बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस है तो ये लग जाएगा। तो इस बार का सबसे बड़ा लोगो बन रहा है ये, और ये जो कट रहा है ये बुलेट सिंह घोषा वाला नाम कट रहा है, क्योंकि जब मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ ना तो आगे से तो रिएक्शन मुझे दिखता है, लेकिन जब लोग पीछे से रिएक्शन देखते हो तो गाड़ी में कुछ दिखता नहीं है, तो ये नाम दिखेगा। तो आई होप कुछ सब्सक्राइबर बढ़ सकते, कुछ सर्च कर सकते हो बुलेट सिंह बोईसर, क्योंकि भाई ये साल सब्सक्राइबर लेवल बहुत कम हो गया। मुझे लगा कि 500 तो क्रॉस कर लूँगा, लेकिन अपनी जो सब्सक्राइबर लेवल है वो 425 पे आके अटक गई है। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम बड़े वाले लोगो जो है कट गए हैं, अगर कहीं पे टी शर्ट टुस्टर्ट हुई या हुडी पे प्रिंट होता होगा ना, या रेनकोट पे, अभी तो बारिश का सीज़न है, तो मैं कुछ रेनकोट पे ऐसा प्रिंट निकलवा के रेनकोट में ऑनलाइन बेच सकता हूँ। सो अभी रेनकोट बहुत ज़रूरी है, अभी कम डिस्काउंट में, तो देखते कुछ मैं बात करता हूँ किसी से जो सस्ते में रेनकोट बनाता हूँ। हमारे बोसे में एक फैक्ट्री है जहाँ बनता है, और उस रेनकोट पर अपना लोगो मार के ऐसे एकदम स्टाइल वाला बना के बेचे। कटिंग करने चुपकाना भोजन थे तो काम हो गया यहाँ पे, तो फाइनली लोगों अपने यहाँ पे तैयार हो गया। अभी इस लोगों को इस वाइट वाला जो पैच है, उधर जो वाइट वाला देख लो, जो यूट्यूब जैसा लोगो है लेकिन वाइट रखा है हमने, वो उस पर आएगा, फिर डाले कि ये गाड़ी पे आ जाएगा। अरे पहले वाइट कटिंग तो कर लेता, अभी निकाल दिया कटिंग है ना। अच्छा वाइट कटिंग ही है, ये काम तो हो गया आज भाई, कर देता पूरा। वाइटिंग के लिए कर रहा है, तो कितना नया नया लग रहा है, मार्किंग मतलब सब। तो डायरेक्ट भाई यहाँ से टेप निकाल रहे, अब ये जाएगा डायरेक्ट गाड़ी पे, सुबह कपड़ा लेके चल, क्योंकि बारिश हुआ है, पानी रहेगा। करो क्लीन, और क्लीन कर दूँ मैं करूँ, हो गया। पानी नहीं बिल्कुल रहना चाहिए, तो ये पैच में अब ये लोगो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, दिखना दोनों। हाँ वो हाँ डिजाइन दिखना चाहिए, बस हो गया ना। अरे अभी इतना देख स्टैंड है, देख हाँ चिपका दे, हेलो डन डन डन, हाँ पक्का सीधा लग रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है पक्का ना, हाँ ना भाई। और ये यहाँ पे पूरी तरह से लोगो का काम फिनिश, ले भाई जबरदस्त, अब नाम दिख रहा है वाइट की वजह से, और ज़्यादा ये हाईलाइट हो रहा है।
कहा था जैसे कि मुझे बीच में कॉल आएगा, मुझे अचानक यहाँ से जाना पड़ेगा थोड़ा दूर, 60-70 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। किसको लाने जा रहे हैं आप देखते रहिए, और मैं रेनकोट वेंकट पहन के सब रेडी हूँ यहाँ पे कि बारिश आया तो कहीं रुकना ना पड़े। बहुत लोग क्या करते कि मतलब अंदर डिक्की में रख के चलते हैं कि बारिश आएगा तो ही पहनेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले से रेडी कि गाड़ी कहीं रुकना ना पड़े, और फ्यूल भी है इतना कि पहुँच जाएगा वो। ये क्रिस जैसा की उड़ी मार के गया यहाँ से। सो 5 बज चुके हैं। ओ ओ हो ओ माई गॉड, नागिरमला अंकल टर्न मार रहे थे भाई। सो यहाँ पे देख के लग रहा है कि यहाँ बारिश चल रहा है, बहुत अच्छे से बारिश चल रहा है, और आगे भी बारिश बहुत खतरनाक है। सो इस GoPro को बचा लेते हैं, अब मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा, डायरेक्ट जाते हैं वैसे ही और आरिफ को पिकअप करते हैं। बीच में लगा कि बारिश नहीं हो रहा है सो करेंगे व्लॉगिंग। एक मिनट यहाँ पर रोक के मैं ये सारा सामान रख लेता हूँ, नहीं अभी तो बारिश नहीं आ रहा, थोड़ा दूर चलते। ओहो तो बहुत लोगों को ये जगह देखी देखी सी लग रही होगी, देखो देखी देखी सी आपको ये प्लेस लग रहा है। तो ये है वसई का तुंगरेश्वर। आप यहाँ तक तो आ सकते हो, मतलब कभी आना हो तो यहाँ तक आ सकते हो, लेकिन इसके आगे एक जो गेट है वो गेट के आगे आप नहीं जा सकते, वो है वो हो चुका है बंद। तो हम आए थे यहाँ पे मतलब वसई आरिफ को लेने के लिए। हाँ जी, आरिफ को लेने के लिए आए थे। तो आरिफ अभी है भाई ट्रैफिक में फंसा हुआ, और हम ये तुंगरेश्वर भूल गए थे कहाँ पे, मैं गलत दिशा में जा रहा था। उसी टाइम पे हमारे मिले यहाँ पे सब्सक्राइबर भाई, आ जाओ यहाँ पे DNA बाइकर्स, नाम याद है ना, बाइकर्स DNA, मतलब वही मैंने उल्टा बोल दिया, बाइकर्स DNA एक ही बात है, एक ही बात है, मतलब मैं आगे पीछे कर दिया। तो भाई मुझे गलती से मिल गए भाई के साथ, मैं सेल्फी लेने गया था, बोला भाई भाई सेल्फी दे। मैं कैसे मिला ये बता दीजिए, मैं क्या कर रहा था, मैं कैसे जा रहा था, रोड से आ रहे थे और मैं सामने से जा रहा था, वही टाइम पे देखा, मैं पहले हेलमेट देखा तो मुझे लगा हेलमेट तो पहचाना हुआ, बाद में गाड़ी पे वो मैप देखा, मैप देखा था, अरे ये तो अपने BSV भाई है। तो बाद में मैंने पीछा नहीं किया, घुमा के स्लो ही जा रहे थे, 5 के स्पीड में मैं घुमाया, बोला सर सर सेल्फी दे दो ना। तो बाद में हम लोग रुके और फिर आए इधर तुंगरेश्वर घूमने के लिए, क्योंकि मुझे जानना था कि तुंगरेश्वर चालू है कि नहीं। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, अपनी गाड़ी वॉशिंग करा सकते हो, थोड़ी दूर चला सकते हो और फिर जा सकते हो। तो मेरी गाड़ी है यहाँ पे और वहाँ पे भाई की 200 ड्यूक, सो अपडेट करने वाले जल्दी अपनी बाइक को बता देंगे, क्योंकि साथ में हम राइड जरूर करेंगे। तो अब हम यहाँ से जाते हैं क्योंकि आरिफ शायद से आ गया रहेगा, तो चलते हैं इसको लेके। उसके बाद तो फिर हिम्मत ही नहीं हुई कि बारिश में GoPro बाहर निकाल सकूँ, तो वहाँ पे हम मैं और बाइकर्स DNA बाइकर्स, फिर नाम कन्फ्यूज हो गया। हाँ ये दोनों ही नाम है, एक ही है, मैं आगे पीछे रिपीट करके बोलता हूँ। सब वहाँ पे मिले कि थोड़ा जाके देख के आते तुंगरेश्वर चालू है क्या, लेकिन तुंगरेश्वर खाली वो पानी तक चालू है, उसके आगे चालू नहीं है, उसके आगे मेन गेट बंद है, वो जो ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ पे सारे बाइकर्स ऑफ रोडिंग करने जाते हैं। सो आई होप भाई जल्दी वो रास्ता तो खुल जाए कि लोग वहाँ पे जाए राइडिंग वाइडिंग करे। मानसून निकल गया तो फिर उतना मज़ा नहीं आता वहाँ पे। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। गाड़ी में एक बड़ा वाला लोगो लग चुका है अपना, बहुत ही बड़ा लोगो दिख रहा है, और भी 2-3 ग्राफिक डिजाइन सोच रहा हूँ कि उसमें आएंगे, अलग अलग कलर के रेडियम चिपके रहेंगे और जो अलग अलग कटआउट रहते हैं। मैंने एक बहुत टाइम पहले एक बाइक का वीडियो बनाया था, बैनली 300 का, जिसको ऐसा डिज़ाइन था, वैसा कुछ सोचा हूँ, कटआउट कट में कोई त्रिकोण टोकन में रहता है वैसा चिप कराएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको लोगो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा।